अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एवरीवन कैन कुक। आज हमारे किचन में बन रही है बनाना ब्रेड, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमने 2 कप मैदा लिया है और 5 हमने केले लिए हैं और उनको कांटे से मैश कर लिया है। 2 अंडे जाएंगे, 1/2 कप मक्खन जाएगा, 1/2 कप ब्राउन शुगर ली है और 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर और 2 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 कप हमने चॉकलेट चिप ली है और 2 अंडे लिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैदे को हम स्ट्रेन कर लेंगे, जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करके स्ट्रेन कर लेंगे। ड्राई इंग्रीडियंट्स मिक्स करके साइड पे करेंगे और अब हम सब बाकी चीज़ों को मिक्स करते हैं। बटर हमने बॉल में डाल लिए, बटर और शुगर को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले इसमें अंडे शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा फ्लफी हो जाए। देखिए बटर और शुगर और अंडे हमारे बिल्कुल वो क्रीमी सी टेक्सचर में आ गए हैं। अब हम इसमें अपने बनाना ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे और स्लो हाथ से इसको हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमारा मिक्स हो गया, लेकिन मुझे ये थोड़ा थिक ज़्यादा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल्क ऐड करूँगी। देखिए अब इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक हो गई है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, पहले ये बहुत ज़्यादा थिक था। अब इसमें हम अपने चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। चॉकलेट चिप डालना ऑप्शनल है, बच्चे शौक से खाते हैं इसलिए मैं थोड़े से चॉकलेट चिप डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, वैसे भी ब्रेड बना सकते हैं। इसको मिक्स करके तो हम पैन में डालेंगे। पैन को हमने ग्रीस करके रखा हुआ है, पैन को हमने बटर पेपर लगाया है पहले और थोड़ा सॉइल से ग्रीस कर लिया है। अब हम ब्रेड के बैटर को अपने पैन में डालेंगे। आप चाहें तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। बैटर हमने डाल दिया पैन में और थोड़े से हम चॉकलेट चिप ऊपर से गार्निश करेंगे। बहुत मज़े की चॉकलेटी सी बनाना ब्रेड बन के तैयार होगी। हमने नीचे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखा है, उसके ऊपर हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि ये इवन हो जाए और इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए और बराबर सी हमारी ब्रेड।
अवन को हमने पहले से 160 पे ऑन कर दिया था, अवन हमारा प्री हीट हो गया, इसको हमें 1 घंटे तक बेक करना है। टेम्परेचर पे हम इसको तकरीबन 1 घंटा बेक करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी बनाना ब्रेड की, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ब्रेड की हमने कटिंग अभी इसलिए नहीं की, जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए इसकी कटिंग नहीं करेंगे। मेरी ब्रेड अभी वार्म है, तो जब ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप गर्म को काटेंगे तो ब्रेड टूटेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।